धार जिले के पीथमपुर में तिरुपति बालाजी कंपनी में कल रात कार्य के दौरान बैगों के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई, जिसकी सूचना परिवार को नहीं दी गई। आज सुबह एमवाई हॉस्पिटल से परिजनों को खबर मिली, जिससे आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को लेकर कंपनी के गेट पर रखकर न्याय के लिए गुहार लगाई। अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा 5 घंटे धरना दिया, जिसके बाद शाम को करीब 7 बजे पुलिस प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया, जिससे मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी को पेंशन और 50,000 की FD और 50,000 अंतिम संस्कार के लिए मांग की, जिसके बाद परिजनों द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला पंजीकृत कर शव का अंतिम संस्कार किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। किया गया था आपके द्वारा, क्या है पूरा मामला? कल के दिन जो है हमारे दलित भाई ओम प्रकाश जी पवार का देहांत हो गया था। यहाँ पर कार्य करते हुए ऊपर से कुछ बड़ी बड़ी गठाने उनके ऊपर काम करते हुए गिर गई थी, जिससे उनका देहांत हो गया था। और कंपनी ने उनको अपना एम्प्लॉय कहने से ही मना कर दिया था कि ये हमारा कर्मचारी है। और 14 साल हो गए ओम प्रकाश जी को यहाँ पर कार्य करते हुए, और उन्होंने मना ही कर दिया कि यहाँ का ये व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त समाजजनों ने, रविदास समाज ने, वाल्मीकि समाज ने और भलाई समाज ने, समस्त दलित समाज ने यहाँ पर आक्रोशित होकर मृतक ओम प्रकाश जी पवार का शव लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जो लगभग 6 से 7 घंटे चला धरना प्रदर्शन। और इस दौरान माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय थाना प्रभारी पीथमपुर, माननीय CSP पीथमपुर तीनों मौजूद रहे, किंतु हमारा कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। अंततः जो है पीड़ित पक्ष की पत्नी पत्नी के अलावा उनके पुत्र और उनकी पुत्री और तीनों के नाम से 50,000 रुपए की FD करने का कंपनी ने वादा किया, तथा 50,000 रुपए अंत्येष्टि की राशि दी गई है, तथा यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की 1 दिन की राशि जो है मृतक के परिवार को दी जाएगी, जो लगभग 1.5 लाख होती है। इस प्रकार से हमारा जो है इनसे समझौता हुआ और कंपनी ने राहत राशि के रूप में हमें ये मदद भी की है, और आजीवन जो मृतक है उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन दी जाएगी, जो लगभग 10,000 से 12,000 रुपये होगी। इन मामलों को लेकर, इन विषयों को लेकर हमने जो धरना दिया था और शांतिपूर्वक धरना था, और पूरी समाज के उपस्थिति में, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन हुआ। और इन कमिटमेंट के आधार पर जो है, इस कमिटमेंट के आधार पर हमारा धरना समाप्त हुआ। यह कमिटमेंट जो है कंपनी तिरुपति बालाजी कंपनी है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 में है। और इस कंपनी में जो है हमारे दलित भाई जो गौतमपुरा में रहते थे और यहाँ पर पिछले 14 साल से कार्यरत थे, ओम प्रकाश जी पवार, उम्र उनकी 48 वर्ष थी। काम करते हुए उनका कल देहांत हो गया था। कंपनी की लापरवाही थी कि उन्होंने उनका इलाज नहीं कराया, यहीं पर मृत अवस्था में पाए गए वो। और कंपनी ने हमें ना परिवार को सूचना दी, हमें सूचना एमवाई हॉस्पिटल से मिली थी। हम चले गए एमवाई हॉस्पिटल से, हमने शव को प्राप्त किया था और शव को लेकर यहाँ पर हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। किया गया था सर, कैसे क्या हुआ सर पूरा मामला? ओम प्रकाश नाम के श्रमिक की यहाँ मृत्यु हो गई थी, उसमें बोरे उसमें उसके ऊपर गिर गए थे। उसके परिजन इस बात से आहत थे और कंपनसेशन की मांग कर रहे थे। कंपनसेशन के तहत कंपनी ने इनको आजीवन पेंशन की बात कही है। तीनों मृतक के पत्नी और दोनों बच्चियों के लिए 50,000 की FD की बात की है। 1 दिन की वेतन, जितने श्रमिक यहाँ काम करते हैं 1 दिन का पूरा वेतन लगभग 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। और इसके अलावा फ्यूनरल के लिए 75,000 रुपये अलग से देने की बात कही है, और धरना प्रदर्शन सब वापस करवा दिया गया। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। तरुणेंद्र सिंह बघेल, CSP। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।